हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट में इग्लू ढूंढने वाले हैं और आपको भी बताऊंगा तरीका कि भाई आप कैसे एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट में जो है इग्लू ढूंढ सकते हैं। तो जो भी चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी मज़ेदार मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुँचती है। तो भाई आपको बर्फ़ में आ जाना है। एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट में ना एक ही पूरे वर्ल्ड में एक ही इग्लू होता है जो भाई हमें ढूंढना है इस बर्फ़ में। तो यार मैंने सारे सारी बर्फ तो चेक कर लिए, एक ही रहती है, इसमें जाके ढूंढते हैं। और वो सामने इग्लू नजर। भाई साहब आपको ढूंढना है तो फिर भाई आप कोई जो बड़ा जो है एंटार्क्टिका, मतलब यानी कि भाई बर्फ का जो बड़ा इलाका हो उसके अंदर इग्लू होते हैं, क्योंकि मेरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है बर्फ का वो था, तो इसीलिए यहाँ पे इग्लू था। और भाई ये जो है प्लांट ये शाइन भी करता है, मुझे आज पता चला। तो यार ये इग्लू है यार, मतलब ये मैंने इसको अंदर से देखा नहीं है, खाली मैंने इसको भाई बाहर से ही देखा। अभी इसके ऊपर चढ़ के भी देखेंगे भाई कि यार ये है कैसा। मैं नहीं मानता। ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लिया। और अब जल्दी से चलते हैं यार, इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं यार पूरे अंदर। और ये तोड़ दिए भाई साहब, ये अंदर से तो खोखला है यार, मतलब अंदर से तो उसके ब्लॉक नहीं लगे। हाँ ना, इग्लू तो ऐसे ही होता है ना कि अंदर उसके ब्लॉक नहीं लगे हुए होते। तो यार जल्दी से अभी इसके ऊपर जाके चेक करते हैं भाई, देखते हैं भाई अच्छा है भी है तो नहीं इग्लू। तो जल्दी से चलते हैं यार, मुझे ठंड भी बहुत लग रही नहीं, झूठ बोल रहा है। है। तो जल्दी से हम ये मुझे बताओ कैसे मिला। मैं ना वो तोड़ने के लिए आया हुआ था, तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी भाई ये क्या है। तो फिर मैंने जो है वीडियो बनाने का सोचा कि भाई वीडियो बना देते, किसी ने इग्लू के ऊपर वीडियो नहीं बनाई होगी। तो फिर मैंने वीडियो बना दी। और भाई साहब ये ऊपर से, मतलब ये टेंपल की तरह डेजर्ट टेंपल होता है ना, उसका भी ऊपर से बीच में खड्डा होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। देखो भाई साहब क्या नज़ारा आ रहा है। और वहाँ पे जो आपको बीकन दिख रहा है वो मेरा बीकन है। अभी मुझे वहाँ पे भी जाना है और अभी नीचे कूद के देखते हैं यार। भाई इसमें भी तो ऐसा सीन नहीं है कि भाई इस प्लेट के ऊपर कूदो तो भाई बम होते, नहीं भाई इसमें तो TNT नहीं होते यार। तो यार इस फोर्ट को भी तोड़ देते हैं, इसको मतलब ऊपर जो है हमारी फोर्ट लगी हुई उसको भी तोड़ने चले जाते हैं यार, तब तो फोर्ट हमारी साया होगी ना। और यार इस मतलब आप कमेंट में बताओ कि यार इस इग्लू को तोड़े या फिर नहीं तोड़े। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है यार इग्लू को तोड़ दो, क्योंकि भाई बहुत सारे जो हैं आए हो बर्फ के ब्लॉक आ जाएंगे। इसी वजह से मेरा दिल कर रहा है कि इग्लू को तोड़ दूँ। और पैसा ही पैसा हो गया। रश वाला है। और ये अभी हम वापस से इग्लू के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे चेक करते हैं भाई कि साहब ये भाई TNT तो नहीं लगे यार यहाँ पे। भाई कोई TNT अंदर कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ, बाकी खाली अंदर अंदर से खाली है ये। और ये मैं आपको पूरा इसका व्यू बताता हूँ भाई साहब, बहुत अमेजिंग सा है यार ये। इसको तोड़ते हैं भाई, इसको तोड़ दिया भाई। इसके नीचे तो कुछ नीचे जाके देखते हैं भाई कहीं इसके अंदर पता चले भाई डायमंड है इसके नीचे। एम्पिटेंस पता नहीं क्या नाम है इस डायमंड का, वो है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भी हम वापिस ऊपर आ जाते हैं यार, हमारा नीचे जाना फजूल है। तो ऊपर आ गए, अभी इस साइड पर करके चेक कर लेते हैं, मतलब कोद के चेक कर लेते हैं यार कि यहाँ पे भी कोई मतलब डायमंड है या फिर नहीं। भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पे डायमंड होंगे भी, क्योंकि यार वो तो भाई बहुत नीचे होते हैं यार। यहाँ पे मिल जाए कुछ चेस्ट वेस्ट मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा यार। जल्दी से देखते हैं यार, नहीं मिल रही यार कोई चेस्ट यार, मिल जाओ मिल जाओ। अरे यार नहीं मिल रही यार चेस्ट, नहीं मिल रही। अभी हम बाहर चलते हैं और भाई आपको इसका पूरा व्यू बताता हूँ यार। देखो यार कैसा अमेजिंग सा जो है लुक आ रहा है यार इग्लू का। तो यार आपको भी ढूंढना है तो भाई आप जो है बड़ा जो स्नो का पार्ट होता है वहाँ पे जाओ और वहाँ पे इग्लू को ढूंढते रहो, जो सबसे बड़ा जो
स्नो का वो जो मतलब इलाका होगा उसके अंदर जो है आपको ये इग्लू मिलेगा। और भाई साहब ये भाई बहुत बड़ा इग्लू है, तो अब मतलब हर वर्ल्ड में इतना बड़ा इग्लू होगा, तो आप इसको तोड़ के आपके पास बहुत सारे ब्लॉक आ सकते हैं। और यार मैं बहुत लकी हूँ यार, मैं पूरे वर्ल्ड में पहली बार इग्लू मिला। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।